Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक होंगे और सेफ भी होंगे. तो आ गया हूँ मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ. और वो वीडियो जो है बहुत टाइम से जो है मतलब लोगों ने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि प्लीज़ इसके बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा. तो आज जो है हम लेकर आ गए हैं. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है और उन्होंने ही मुझे जो है कहा था कि वो इस चीज़ के बारे में हमें प्लीज़ डिटेल में बताइएगा. तो मैंने जो है इंस्टाग्राम पे मसाला चाप की काफ़ी दो तीन बारी जो है पिक्स डाली हैं. तो सोया मसाला चाप, तो उसकी लोगों ने कहा था कि रेसिपी ज़रूर शेयर करिए कि कैसे आप बनाते हैं. बहुत ऐसे नॉन वेज वेज लोगों के लिए नॉन वेज वाला फील दे रही है वो. कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि देख के ऐसा लगता कि नॉन वेज ही था, पर जब आपने वहाँ पर लिखा कि वो सोया चाप है तब जाके उनको पता चला कि हाँ देखने में इज़ लाइक अ नॉन वेज. तो तभी मैं आपके लिए जो है रिक्वेस्टेड आप ही के रिक्वेस्ट पे जो है ये वीडियो लाया हूँ जो कि है रेसिपी ऑफ मसाला सोया चाप. तो बिना देर करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे बनानी चाहिए मसाला सोया चाप. सो लेट्स गो. सोया चाप बनाने के लिए हमने प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें तेल डाल दिया है गर्म करने के लिए. उसके बाद हम इसमें जो है जैसे गर्म हो जाएगा उसमें हम हींग डालेंगे. हींग डालने के बाद जो है इसमें हम डालेंगे जीरा. जितना आपको चाहिए क्वांटिटी उसके हिसाब से आप जीरा डालिए, जितना आपको पसंद है. उसके बाद जो है हम प्याज डाल रहे हैं जो कि स्लाइस्ड कटा हुआ है. इसके लिए आपको ज़्यादा प्याज चाहिए होगा. उसको अच्छे से हम हिला लेंगे और भून लेंगे. हमें इतनी देर तक भूनना है कि वो अच्छे से उसका कलर जो है थोड़ा सा डार्किश कलर ना हो जाए. ठीक है, जब तक डार्क कलर का ना हो जाएगा ब्राउनिश तब तक हमें उसे जो है भून कर रखना है. हम उसमें साथ में जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे जो कि हमने दरदरा कूटा हुआ है. वो डालकर हम इसे जो है अच्छे से हिला लेंगे. हमें इतनी अच्छी तरह भूनना है इसको कि आपको जो है, और ध्यान भी रखना है कि नीचे हमारा जो है मसाला जो है लगे नहीं, मतलब जले नहीं. तो हम जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा सा जो है पानी उसमें ऐसे डालिए. ठीक है, ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ ऐसा डालना है कि वो लगे नहीं नीचे मसाला. अब जैसे कि ये ब्राउन हो गया है मसाला, अब इसमें हम डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी. अपने हिसाब से आप कस्तूरी मेथी डालिए. ठीक है, अब हम इसको भी मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ. और फिर उसके बाद जो है हम इसमें जो है डाल लेंगे अपने कटे हुए टमाटर. इसमें टमाटर भी ज़्यादा लगते हैं तो उसका क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा. तो अब टमाटर डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से हम जब तक ये मैश नहीं हो जाते टमाटर तब तक हम इसे पकाएंगे. इसी के साथ जो है अब हम डालने वाले हैं मैश्ड, अब हम डालेंगे इसमें अपनी स्पाइसेस जो भी होती है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, फिर आपका जो है होता है नमक, ये सब डाल देंगे. आप अगर और कुछ भी डालना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का स्पाइसेस जो आपको अच्छे लगते हैं वो भी आप डाल सकते हैं. और फिर हम इसको भी हिला लेंगे अच्छे से, जैसे मिक्स कर लेंगे. ठीक है, और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है. देखिए हमारे टमाटर भी थोड़े से जो है सॉफ्ट हो चुके हैं इस टाइम तक. तो बस अब हम इसमें जो है अपनी चाप जो है कटी हुई वो डाल देंगे पीसेस कर करके यहाँ पर. किसी किसी को स्टिक्स वाली भी अच्छी लगती हैं तो स्टिक्स वाली भी. अब कुकर में हमने कभी हम तो ये स्टिक से निकाल के बनाते हैं तो हमने ऐसे ही बनाई है. तो देखिए कितना अच्छा हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाला, कितना अच्छा लग रहा है. मुझे तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, मन कर रहा है अभी खा ही लूँ मैं इसे.
तो अभी हम इसमें जो है अपना जो है क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालेंगे। जैसे आपको ग्रेवी ज़्यादा ड्राई रखनी है तो कम पानी डालेंगे, अगर आपको थोड़ा ग्रेवी वाला रखना है तो ज़्यादा पानी डालेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। और इसमें आप एंड में जो है चाप मसाला आता है बाजार से, वो भी आप डाल सकते हैं। देन हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक का वेट करेंगे। ठीक है, एक सीटी आने के बाद चेक कर लेंगे, अगर देख लेंगे कि अगर थोड़ी कसर रहती है तो एक और बनवा लेंगे सीटी, नहीं तो देखिए हमारा तो बन के तैयार हो चुका है। और देखिए कितना यमी लग रहा है, ना नॉन वेज की तरह। तो ये वेजिटेरियन का नॉन वेज हमने बना लिया है मसाला सोया चाप। देख तो गाइस देख लिया होगा आपने कि कितनी टेस्टी यमिलीशियस और कितनी माउथ वाटरिंग जो है सोया चाप बनी है। मेरा तो फिर से वीडियो को जब एडिट कर रहा था देखते ही मन कर रहा था खा लूँ फिर से। तो प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर करिएगा अपनी स्टोरीज पे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुशमेज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा।